रजनी ने मेरे ऑफिस में कदम रखा। मैंने आंख भर कर उसे देखा। कितनी खूबसूरत थी कमबख्त। रजनी मेरी सेक्रेटरी थी, मेरी गैरहाजिरी में पूरी दक्षता से मेरा ऑफिस संभालती थी और हाजिरी में बाहर रिसेप्शन पर बैठती थी। भली मानस नेक नियत लड़की थी। चेहरे पर हमेशा ताजा खिले गुलाब जैसी ताजगी और कुलीनता की वो चमक दिखाई देती थी जो आजकल की लड़कियों में देखने को नहीं मिलती थी। और भी बहुत खूबियां थी उसमें, लेकिन खामियां भी कम नहीं थी। मसलन टच सिस्टम से कीबोर्ड हैंडल नहीं कर सकती थी, शॉर्ट हैंड जानती ही नहीं थी, अपने एम्प्लॉयर की गोद में नहीं बैठती थी, पप्पी झप्पी नहीं करती थी, उसे अपने पर आशिक करवाने की कोशिश नहीं करती थी, वगैरह वगैरह भी नहीं करती थी। कमबख्त नहीं समझती थी कि शराफत और वर्जिनिटी दोनों ही शहरी लड़कियों में आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी। ऐसी क्या देखते हो, वो बोली। सोचा खुद आई है, मैं बोला तो शायद कोई गुड न्यूज लाई हो। कैसी गुड न्यूज? बाहर क्लाइंट मौजूद है। सपने देखना बंद कीजिए। नहीं है, नहीं है, लगता है क्लाइंट्स इधर का रास्ता भूल गए हैं। ऐसा तो खैर हो नहीं सकता, बरसात के मौसम में भी कई मर्तबा बारिश नहीं होती। क्या कई मर्तबा? सूखा पड़ रहा है, वो भी सही, पर तू आई कैसे? नहीं जवाब देने से पहले इधर आके बैठ। किधर आके बैठूं? आपकी गोद में? अरे ऐसे मेरे भाग कहा, चल इधर कुर्सी पर आके मर। यस सर। वो मेरे सामने एक कुर्सी पर ढेर हुई। अब बोल, मैं बोला। प्यासा कुएं के पास ना आए, इस बार वो संजीदगी से बोली, तो कभी कभार कुएं को भी प्यासे के पास जाने की जहमत करनी चाहिए। क्या कह रही है? 1.5 महीने से खाली बैठे हैं आप। खाली बैठा हूं क्या मतलब है? किसी पेइंग क्लाइंट के कदम इस ऑफिस में नहीं पड़े, तो क्या करूं? क्लाइंट की तलाश में निकलूं? क्या हर्ज है? बस्ती बस्ती जंगल जंगल भटकता फिरूं? क्या हर्ज है? पागल हुई है? ऐसा कहीं होता है? देखिए, सोचिए, विचारिए, शायद होता। मैंने अल्पक उसकी तरफ देखा। 9 दिन बाद पहली है, अपनी तनख्वाह याद दिला रही है? अब है तो ऐसा ही, कहती है तो ऐसा ही, हमेशा हमेशा तनख्वाह का रोना रोती है। एक बार फूटे मुंह से नहीं कह सकती, वीर जी मेरा आपका सब साझा है। वीर जी? वो होठ दबाकर हंसी। सुधीर जी, अभी साफ तो कहा वीर जी, तेरे कान बजे सुधीर जी कहा? नहीं कहा, ठीक है नहीं कहा कमबख्त, वो तो जबान फिसल गई थी मेरी। मंजूर, अब बोलिए क्या कहते हैं मेरे हाईफाई आइडिया के बारे में? गोली लगे तेरे हाईफाई आइडिया को। अरे मैं क्या फेरी वाला हूं जो घर घर गली गली पुकारता फिरूंगा, मुजरिम छुड़वा लो, केस हल करा लो, रेट सस्ता लगा दिया है, एक बार आजमाएगा बार बार फिर आएगा, ठीक? वो धूर्त भाव से हंसी। नामुराद हैसियत बिगाड़ रही है मेरी। अरे खूब पहचान ले, सुधीर हूं मैं, जिंदे उल्फत का फकीर हूं मैं, बस। वो फिर हंसी, कहती है फेरी वाला। मैं कहां कहती हूं, आप खुद कहते हैं, फिर कह भी दिया तो क्या बुरा किया? फेरी वाले का दर्जा फकीर से जो अभी आपने खुद को कहा तो बेहतर ही होता। वो तो मैंने शेर पढ़ा था खुद अपनी शान में, और फकीर झट पड़ा तेरे कान में, ये ना पड़ा कि किस शय का फकीर हूं। फकीर फकीर ही होता है, और जो फकीर होता है उसकी चॉइस नहीं होती, और जिनसे उल्फत खैरात में नहीं मिलती। यहां तक समझ गए? मेरा सिर यूं ऊपर नीचे हिला जैसे मुझे खबर ही ना लगी हो। गुड। और जिंदगी में अहमियत जरूरत को देनी चाहिए, ना कि ख्वाहिश को, क्योंकि जरूरत फकीर की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिश बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। मैं भौचक्का सा उसका मुंह देखता रहा। सो देर, वो शान से बोली। ये तू बोली? फिर स्वयं मेरे मुंह से निकला, यस सर। पहले फेरी वाला, फिर फकीर। आई रिपीट सर, मैं नहीं कहती, आप खुद कहते हैं। फेरी वाला मैं, सुधीर कोहली, दी ओनली वन। वो होठ दबाकर हंसी। कमबख्त, शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी किया कर। क्या हुआ शक्ल को? अभी परसों ही तो हाड़ मास मज्जा सुसज्जा क्लिनिक होकर आई हूं। कहां होके आई है? ब्यूटी पार्लर 4,000 लगे, शक्ल शीशे की तरह चमक खुटी, और आप कहते हैं ना हक खर्चा किया। ये काम तो मुफ्त में भी हो सकता था। अच्छा कैसे? रात को मलाई लगा के सोती, बिल्ली मुंह चाट जाती, या मैंने अंगूठे से अपनी छाती को ठोका और अरमान भरे स्वर में बोला बिल्ला मुंह चाट जाता। फिर पहुंच गए एक आने वाली जगह पर, तभी बाहर आहट हुई, हेलो। साथ ही एक खनकती मर्दाना आवाज आई, एनीबडी होम? लगता है वो दबे स्वर में बोली, प्यासा आ गया। आजकल
मैंने नकलियां भरी, मेरे ऐसे भाग कहां, भूला भटका गुमराह, किसी बड़े पीढ़ी के ऑफिस में जाना था, यहां आ गया। तेरे मुंह में खाक, जा दफा हो, जाके देख। वोट खड़ी हुई और हो सके तो गुड न्यूज लेके आ जा, उसके लिए जाके आने की क्या जरूरत है, वो तो अभी हाजिर है क्या। मेरी मंगनी हो गई है, लड़का बैंक में। मैंने मेज से पेपर वेट उठाया, अपनी कुटिल हंसी दबाती हुई वो वहां से हवा हुई। पीछे इंतजार को आसान करने के लिए मैंने सिगरेट सुलगा ली। हजरात, अर्ज है कि अपने कारोबार की मैं कोई पब्लिसिटी तो करता नहीं, ब्रॉडकास्ट तो करता नहीं कि प्राइवेट डिटेक्टिव सुधीर कोहली अपनाइए, क्योंकि यही सर्फ से धुला है और आखिरी कश तक मजा देता है। मेरा कारोबार तो ग्राहक की, क्लाइंट की संतुष्टि को सर्वोपरि मानने से चलता है, और आप जानते ही हैं कि एक संतुष्ट ग्राहक दूसरे ग्राहक को भेजता है। बात का लब्बोलुआब यह कि मेरा कारोबार सिर्फ और सिर्फ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से चलता है। उम्मीद है कि खाकसार को आप भूले नहीं होंगे। बंदे को सुधीर कोहली कहते हैं, वही सुधीर कोहली जो दी ओनली वन भी कहलाता है, जो राजधानी में प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के धंधे में खुदा बुरी नजर से बचाए टॉप गन कहलाता है। जहां मेरा यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस का छोटा सा ऑफिस है, वहां बंदा बहुत सेलेक्ट क्लाइंट्स के लिए काम करता है, क्योंकि एक तो हर कोई मेरी फीस भर नहीं सकता, और दूसरे अमूमन मुझे वही असाइनमेंट कबूल होती है जिसमें कोई चैलेंज हो और जिसकी बाबत क्लाइंट का पुख्ता विश्वास हो, और उसका काम कोई कर सकता है तो वो सुधीर दी ओनली वन कोहली कर सकता है। इसी वजह से बीच में अक्सर काफी वक्फे ऐसे आते थे जबकि मुझे मनमाफिक केस की आमद के इंतजार में खाली बैठना पड़ता था, क्योंकि मैट्रिमोनियल कन्फर्मेशंस, कैरेक्टर वेरिफिकेशन जैसे टुच्चे काम करना मुझे कबूल नहीं होता। क्यों कबूल नहीं होते थे? क्योंकि शेर घास नहीं खाता। दूसरे अल्फाज में, या हंसा मोती चुगे या भूखो रही जाए, बजाते खुद मैं अपना बयान बखान करूं तो झूठ बोलना या अपनी किसी खूबी खामी को बढ़ा चढ़ा कर कहना तो गैर मुनासिब होगा। इसलिए गैरों की मेरी बाबत पुख्ता हो चुकी राय दाखिल दफ्तर करता हूं, मुलायजा फरमाइए। दिल्ली और आसपास 40 कोस तक का टॉप का हरामी, नीयत बद, करेक्टर खराब पर नाशुकरा नहीं, मिजाज लड़कपन से आशिकाना इसलिए खूबसूरती का पुजारी, लाइन मारने में PhD वगैरह। फिर भी अपनी जबानी अपने बारे में कुछ कहूं तो अर्ज है, जो देखता हूं वही बोलने का आदि हूं, जो देखता हूं वही बोलने का आदि हूं, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको अभी लाइनें पढ़ के सुनाई, कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई है ना इसके अंदर। अब आप कहेंगे कि ये क्या था? दरअसल ये एक इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, कहानी शुरू हुई है, और ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री की है। इसकी भाषा में कितनी नफासत है, कितनी मोहब्बत है, इसमें हिंदी है, इसमें उर्दू है, इसमें अंग्रेजी है, इसमें पंजाबी है, और आगे जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको लगेगा पानी की तरह बहती चली जा रही है ये भाषा, और इसमें कत्ल हो रहे हैं, इसमें तमाम साजिशें हो रही हैं, और शक के घेरे में तमाम लोग हैं, दिल्ली शहर है। बहुत खूबसूरती से हमारे दौर के सबसे बड़े लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक साहब ने इसको लिखा है, उनका नया उपन्यास आया है 5 दिन, और ये उनका कैरेक्टर है सुधीर कोहली, प्राइवेट डिटेक्टिव है। अंदाज़ा आपको लग गया होगा किस तरीके का आदमी है वो और क्या सोचता है और क्या करता है। अपना इंट्रोडक्शन उसने खुद ही दे दिया है, तो मैंने भी आपको सुना दिया, आपको अंदाज़ा लगे। सुधीर कोहली का मैं बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। पाठक साहब के 3 बड़े किरदार हैं, एक सुनील कुमार चक्रवर्ती, सुनील सीरीज की किताबें लिखते हैं जो कि पत्रकार है, जिसकी वजह से मैं पत्रकार बना। दूसरा विमल, सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, अपने ही हालात का मारा, एक सामान्य आदमी किस तरह जिंदगी से दो चार होता है और कैसे अपराध के चुंगल में फंस जाता है बेवजह। और तीसरा ये सुधीर कोहली, दी ओनली वन बास्टर्ड जो खुद को कहता है, कमाल का कैरेक्टर रचा है पाठक साहब ने। मैं किताब लेके बैठा शनिवार को और 4-5 घंटे नॉनस्टॉप इस किताब को पढ़ता रहा। जब कातिल का खुलासा हो गया, कातिल पकड़ा गया, खुलासा नहीं, खुलासा सही शब्द नहीं है, कातिल जब पकड़ा गया, जब नज़र में आ गया, तब मैंने इस किताब को बंद किया। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, हिंद युग में से ये किताब आई है, 299 रुपये की किताब है, 399 पेज हैं, 400 पेज की किताब है। सोचिए आज के दौर में पाठक साहब ही लिख सकते हैं।
पाठक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो आपका मुरूद पहले से था, इसको पढ़ के मैं इंस्पायर हो गया हूँ, जल्दी अपनी किताब पूरी करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।